एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कन्या पूजन के लिए बुलाकर बालिका से की छेड़खानी, वृद्ध दंपति के खाते से 2 लाख उड़ाए। घट रहा संक्रमण, बचे महज 23 सक्रिय रोगी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नवरात्र में कन्या पूजन के लिए घर में बुलाई गई बालिका से एक युवक ने अश्लील हरकत की। यह वारदात वाड़ी थाने के तहत हुई है। घटना के बाद लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी 22 वर्षीय रविंद्र भारत नेवारे है। रविंद्र अपने भाई के साथ रहता है। उसने मंगलवार शाम कन्या पूजन के लिए परिसर की बच्चियों को अपने घर बुलाया था। पीड़ित 8 साल की बालिका अन्य बालिकाओं के जाने के बाद आई, इस वजह से उसने देर से भोजन किया। रविंद्र ने पीड़ित बालिका को मोबाइल पर गाने सुनाने लगा। वह मौका पाकर बालिका से आपत्तिजनक बर्ताव करने लगा। इसी दौरान बालिका के घर नहीं आने से उसका पिता रविंद्र के घर पहुंचा। बेटी को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर उसके होश उड़ गए। उसने रविंद्र को पकड़ लिया। घटना का पता चलने पर परिसर के लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने रविंद्र की जमकर धुनाई कर दी। लोगों ने वाड़ी पुलिस को सूचना दी। पीआई ललिता तोड़ा से तथा एएसआई पाठक घटनास्थल पर पहुंच गए। दूसरी खबर, केवाईसी अपडेट करने का झांसा देकर वृद्ध दंपति के खाते से 2 लाख रुपए उड़ा लिए गए। अजनी निवासी आनंद पालेकर तथा उनकी पत्नी का एसबीआई में खाता है। वे एम्प्रेस मिल से सेवानिवृत्त है। 9 अक्टूबर को अज्ञात व्यक्ति ने पालेकर को कॉल किया। उसने खुद को एसबीआई का अधिकारी बताकर केवाईसी अपडेट किए जाने का झांसा दिया। उसने पालेकर से खाते की जानकारी हासिल कर पालेकर व उनकी पत्नी के खाते से 1,96,000 रुपए उड़ा लिए। इसकी शिकायत पर अजनी पुलिस ने धोखाधड़ी तथा आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, त्योहारी मौसम के बीच नागपुर के लिए अच्छी खबर यह है कि कोविड संक्रमण घट रहा है। नागपुर जिले में बुधवार को महज 23 सक्रिय मरीज दर्ज किए गए हैं। इनमें शहर के 16 और ग्रामीण के 7 संक्रमित है। बुधवार को जिले में 3 नए संक्रमित मिले जो कि शहर के थे। ग्रामीण और जिले के बाहर का कोई भी संक्रमित नहीं था। वही मौतों के मामले 10,120 पर स्थिर बने हुए हैं। कुल 4,93,379 संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।